और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। शुरू से ही बड़ी खबर है, सरदार शहर में पानी की डिग्गी में गिरे हैं तीन बच्चे। हादसे में तीनों बच्चों की मौत की यहां सूचना मिल रही है। तहसील के राणासर पवरान गांव की घटना बताई जा रही है। उपकरण अधिकारी रीना छीपा मौके के लिए यहां रवाना हो चुकी हैं और 10 से 12 साल के ये जो बच्चे हैं बताए जा रहे हैं जो कि पानी की डिग्गी में गिर गए हैं। आपको बता दें कि चुरू के सरदार शहर से बड़ी खबर है, राणासर पवरान गांव की घटना बताई जा रही है जहां तीन बच्चे पानी की डिग्गी में गिर गए हैं और तीनों बच्चों की मौत की सूचना सामने आ रही है। 10 से 12 साल के बच्चे बताए जा रहे हैं। चुरू के सरदार शहर से ये खबर है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, तीन बच्चों के पानी में डिग्गी में गिरने की सूचना आई है और तीनों बच्चों की मौत की भी सूचना यहाँ सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ मामला है पूरा? बिल्कुल अंकुर, मैं आपको बता दूं, काफी दर्दनाक हादसा रहा। तीनों बच्चे हैं वो एक गांव का जोड़ा वहां पे खेल रहे थे। बताया ये जा रहा है कि तीनों बच्चों का जो खेत है उनके पिताजी का वो खेत पास में ही है और वो वहां पे खेल रहे थे। इसी दौरान एक हादसा हो गया जहां पर डूबने से तीनों ही बच्चों की मौत हो गई है। तीनों बच्चे हैं वो दो भाइयों की है, एक भाई के दो बच्चे और एक बच्चे, तीनों की उम्र एक की 7 साल, एक की 10 साल, एक की 13 साल बताई जा रही है। हालांकि घटना के बाद पूरे गाँव के अंदर वो मातम पसर गए हैं। तीनों बच्चों को तुरंत ग्रामीणों ने गड्ढी से निकाल कर पास ही के जो गाँव है जेता उसकी पीएचसी में लेके गए, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। सूचना के बाद उपखंड अधिकारी ना छिपा है वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है। जी अंकुर जी, बिल्कुल गजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरदार शहर से ये बड़ी खबर है, तीन बच्चे यहाँ पानी की डिग्गी में गिरे हैं और तीनों की मौत की सूचना सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के तीनों बच्चे ये बताए जा रहे हैं, 8 से 12 साल के बीच में इनकी उम्र है और पल्लू के राजकीय अस्पताल में इन बच्चों को भर्ती करवाया गया है। तीन बच्चे यहां पानी के डिग्गी में गिरे हैं और तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई है।